रही। इसके लिए यहाँ पे आए हैं आप? हाँ जी। समर्थन है आपका? हाँ जी। तो गुजराती महिलाओं का समर्थन कांग्रेस को जा रहा है? कांग्रेस को जा रहा है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कौन जीतेगा? कोई भी जीतेगा, लेकिन आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए? बीजेपी की बात नहीं करती मैं। अच्छा, इतना खराब है वो? वो खराब नहीं है। तो मोदी जी खराब है? कोई भी खराब नहीं, हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। आप वोट किनको देंगे? वो तो अभी सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। देखो गैस का भाव बढ़ गया है, स्कूल की फी बढ़ गई है, बच्चे को कैसे पढ़ाए। अच्छा, आप घर पे रहते हैं, खाना वाना सब बनाते होंगे, तो महंगाई, तेल वगैरह, मसाला, ये सब क्या है? सब महंगा है, महंगाई है ना। अच्छा, तो क्या लगता है कांग्रेस जीतेगी तो महंगाई पे कंट्रोल करेगी? क्योंकि कांग्रेस तो बोल रही है कि हम बाटला 500 कर देंगे जीतने के बाद। वो तो क्या पता, वो तो बोलते हैं करेंगे, जब देखा जाएगा ना। कांग्रेस भी नहीं करेगी तो कौन करेगा? कांग्रेस करेगी तो वो तो करेगी, तो वो आएगा। अच्छा, तो सही बात है। अच्छा, भाजपा ने कहा है कि गुजराती लड़कियों को जब हम जीतेंगे तो 1,00,000 इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे, क्या लगता है देगा? आप लोग स्कूटी लोगे अगर मिलेगी तो? आप चलाएंगे? हम कहाँ से चलाएंगे, अभी हमको ऊपर चलने का है। ऊपर जाओगे? अभी चलाना चाहिए ना स्कूटी, तो अभी चला के कहाँ जाएंगे? अभी पूरा अहमदाबाद गुजरात में आप घूमिया, अभी तो हमारा गुंडा दुखता है, गिर गए तो अभी टांगे फट जाएगा। अरे डॉक्टर है, सब कुछ है, आप एकदम आप इतने फिट है, आप देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी आपको स्कूटी मिलेगा, भाजपा जीतेगी तो चलाना? तो चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे तो हमारा आदमी चलाएगा। आप पीछे बैठ जाइएगा। हाँ, तो पीछे बैठेंगे ना। क्या नाम है आपका? जिज्ञासा चौहान। आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या आपको उम्मीद है इस पार्टी से? अगर यहाँ के उम्मीदवार जीतते हैं तो आप महिलाओं के लिए काम करेंगे? हाँ। अच्छा, भाजपा ने कहा है कि हम सारे महिलाओं को, गुजरात की महिलाओं को 1,00,000 इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे, अगर आपको मिलेगी भाजपा, अगर मान लीजिए जीतेगी तो आपको, आपको अगर मिलेगा तो आप लेंगे? ये लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए आए हैं, लेकिन अगर स्कूटी मिलेगा तो ये लोग मना भी नहीं कर रहे हैं। हमारी तो मेघवारी बढ़ गई है यहाँ पे, और बाटले का भाव भी बढ़ गया है, बस इस चीज़ के लिए हम सब कुछ आगे करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बाटला जो 1100 का है वो हम 500 का कर देंगे, तो फिर कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस लाओ यहाँ पे अहमदाबाद में, और क्या, अहमदाबाद या पूरा गुजरात? पूरा गुजरात, बहुमत आ जाएगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या लगता है, पूरे गुजरात में आज पहले चरण का चुनाव हुआ, सूरत के इलाके में या उधर सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में चुनाव आज हुए हैं पहले चरण में, क्या लगता है कांग्रेस लीड कर रही है? 100% लीड कर रही है। दूसरे चरण के यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, 3 तारीख को आचार संहिता लग जाएंगे, 5 को चुनाव है, 8 को रिजल्ट है। अहमदाबाद राजीव गांधी भवन जो है कांग्रेस का मुख्यालय, वहाँ पर एक टाइमिंग लगा हुआ है कि परिवर्तन होने में इतने समय बाकी हैं, क्या लगता है कांग्रेस इस बार इतना कॉन्फिडेंस है? 27 साल से भाजपा है, एंटी इनकम्बेंसी, यहाँ पर काम करेगी कांग्रेस, जीत पाएगी? 100% जीत पाएगी। 27 सालों से राज किया, भाजपा ने क्या किया है, खाली मोहगवारी दी है। कौन सी सड़क बनी 27 साल में? हर एक आदमी को 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 27 साल से राज कर रही है, कौन सा उन्होंने काम किया है? मोहगवारी सिवा कौन सा काम किया उन्होंने? उद्योगपति के पेट, घर रोजगार बढ़े, गरीब सब भूख मर रहे हैं, हर चीज़ में भूख मर रहे हैं। 2020 में कोरोना में था तब तेल का डब्बा 1200 था, आज 3000 रुपया है, क्यों? ऐसे तो क्या हो गई है, अनाज की फसल ज़्यादा है, अनाज की फसल कम है तो एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? लोग लेकिन भाजपा को मंदिर, मस्जिद, ये धर्म के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर वोट करते हैं, ये सब उन्होंने एक माया जाल फैलाई हुई है। अच्छा। लोगों को पब्लिक में एक माया जाल फैल गई है कि हम हिंदू है, हम ये कर सकते हैं, आप ये समझ के हमको वोट दो, ये सब माया जाल है, आज नहीं तो कल फूटेगा ही, फूटेगा आराम से फूटेगा। तो यहाँ पर अहमदाबाद में हिंदू मुसलमान सब एक होकर अच्छे से रहते हैं? 100% रहते हैं, इतने सालों से कौन सी तकलीफ पड़ी है? अब छोटी मोटी तकलीफ तो घर में रहती है, बाहर कैसे नहीं रहेगी? क्या इंडिया में नहीं राज कर रहे मोदी तो तकलीफ नहीं हो रही है? हिंदू मुसलमान झगड़े नहीं हो रहे? ये सब एक माया जाल है, लोगों को भी जो भ्रमित कर रहे हैं, मोहगवारी पर ध्यान नहीं देते, खाली हिंदू मुसलमान ध्यान दे रहे, उनका बैन सब्जेक्ट है मोहगवारी, उनको कम करो, उनका मुद्दा ये है, उनको लाओ लेवल पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जैसा देख रहे थे लगातार हमने पब्लिक ओपिनियन की, बने रहिए हमारे साथ। मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़, धन्यवाद।